Dil shit, dil shit. हाँ भाई, पहलवान बस फाइट का शौक पूरा हो गया? जिम भी नहीं आ रहा तो क्यों? मिशन पूरा हो गया तेरा? मुझे तो बस सितारा का दिल जीतना था, वो जीत लिया। वैसे भी ये लड़ाई झगड़े का कोई ज्यादा दिल नहीं है मेरा। जब तूने सितारा का दिल जीत लिया है तो ऐसे मुंह बिसूर के क्या बैठा है? अब भंगड़े डालना, लुडियां डाल, काम तो हो गया तेरा। यही तो सारी बात है, पहले महबूब का दिल जीतने के लिए इंसान जान की बाजी भी लगा देता है, फिर अगर कुछ खुशकिस्मती से उसका दिल जीत ले फिर शुरू होता है दूसरा मरला उसको हासिल करने का। उससे बहुत ज्यादा कठिन और मुश्किल होता है। इस दुकान से नहीं मिलेगी मुझे वो। मरले तो दोनों ही मुश्किल हैं प्यारे। इंसान पहले आधी जिंदगी गुजार देता है अपने महबूब का दिल जीतने में, जब जीत लेता है तो फिर उसके दिल में जगह बनाने में। खैर छोड़ इन बातों को, मेरा तो मशवरा है कि तू सारे काम छोड़ और तू पढ़ाई पे ध्यान दे। भाई पढ़ाई पे ध्यान देगा ना तो तुझे कोई नौकरी शौकरी मिल जाएगी और मुस्तकबिल बन जाएगा तेरा, समझा? खड़े हो आप? क्या खड़े हो यार, मैंने क्या गलत बात कर दी क्या? गले लगाने के लिए खड़ा किया मैंने आपको। आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया, मुझे अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, यही हल है मेरे मसलों का। ओए ओ शहजादा है तू यार, वाकई का दिल शेर है। शाबाश शाबाश। बैठो आप, चाय मंगाता हूँ आपके लिए। बैठो बैठो। कहाँ रह गई थी, कब से अब्बा तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब्बा जी कहते रेशमा का है मेरे लिए तो मुझसे जाके। और खैर से तुम्हारा फोन भी बन जा रहा था। हाँ वो मोबाइल की बैटरी का मसला है, कभी भी बंद हो जाता है। लेकिन मैंने दिलशेर को मैसेज किया था, आज वो आज एक्स्ट्रा क्लास थी। देखो उससे मिलने गई थी ना, हम रिहर्सल कर रहे थे। इतनी देर रिहर्सल में? सच सच बताओ कहाँ थी? हम रिहर्सल के बाद थोड़ी देर कैफे बैठ गए थे, फिर खाना खाने चले गए और बस। क्या तुम्हारे लिए भी वो वैसी जज्बात रखता है जैसे तुम रखती हो? देखो रेशमा, बहुत सोच समझ के इस राह पर कदम बढ़ाना, ये शहरी लड़के ऐसे ही होते हैं, उनकी तरफ से सिर्फ दोस्ती होती है और हम दिल दे चुके होंगे। मैं नहीं जानती उसके दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन मुझे उसके साथ होना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि पूरी कायनात मेरी दस्तरस में है। अच्छा बस जाके अब्बा जी को अपनी शक्ल दिखा दो ताकि उन्हें इत्मीनान हो जाए। हाँ मैं आती हूँ, बस मैं आती हूँ। अरे रेशमा आ रही हूँ। मैं क्या कह रहा था, क्यों ना शाहनवाज को डिनर पे बुला लें। आपने तो मेरे दिल की बात कर दी, उन्होंने भी हमें डिनर दिया था, हमें भी उन्हें दावत देनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है रुस्तम, कल रख लें डिनर? मैं बिजी हूँ, आप देख रहे जो मुनासिब लगता है। तो एक तो तुम ये है अपनी फजूल किस्म की मसरूफियात को ख़त्म करो। शाहनवाज और सितारा घर आ रहे हैं और तुम गायब हो रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, तुम घर पर ही रहोगे। डैड मैं जानता हूँ आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ये डिनर ये घर आना जाना ही क्यों कर रहे हैं। आप मेरे और सितारा के रिश्ते की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बुराई क्या है, दो फैमिलीज के मिलने से ही रिश्ते बनते हैं। मैं फाइट नहीं छोड़ूंगा, अगर मेरे चैंपियनशिप के साथ शाहनवाज अंकल मुझे अपना दामाद तस्लीम कर लेते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है।
देखा तुमने मैरुन्निसा बेगम, तो हमारा साहबजादा इतना बड़ा हो गया है कि बाप के सामने डट कर खड़ा है, जबान चला रहा है। मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा डैड, बल्कि अपना खुद अपनी जात का साथ दे रहा हूं। मैं एक जीता जागता इंसान हूं जिसे अपनी अच्छाई और बुराई का पता है, जिसका वो फैसला कर सकता है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा कि जब आप चाहेंगे कि चैंपियन बनो और मैं बनूं, और उसके बाद अपने फायदे के लिए कभी भी कह देंगे कि चैंपियनशिप छोड़ दो। नो, इट इज नॉट हैपनिंग दैट। फायदा? मेरा फायदा? वो मेरा क्या फायदा है इसमें? सितारा तुम्हें पसंद है, तुम्हारी शादी करवा रहा हूं मैं उससे, और तुम दोनों की शादी में मेरा क्या फायदा होना? तो आप भी जानते हैं कि आपका कितना फायदा है इसमें। थैंक्स मॉम। ये अब बच्चा नहीं रहा चौधरी साहब। मैं कल शाहनवाज को डिनर पे बुला रहा हूं, तो मुझे रुस्तम खाने की टेबल पर चाहिए। उसे अच्छी तरह समझा दो मैरुन्निसा बेगम, उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ सितारा से होगी। सितारा, रूसी के साथ साथ तुमने मुझे और बॉबी को भी खुदा हाफिज कह दिया। आज पूरा दिन कैंपस में नजर नहीं आई तुम। बॉबी की तो तुम बात ही ना करो, वो तो मुझे बिल्कुल रुस्तम का चमचा लगता है। और तुम उनकी साइड क्यों ले रही हो? तुम मेरे दोस्त हो ना। और बाय द वे, रुस्तम को मैंने नहीं छोड़ा है। आई डोंट नो, वो खुद ही अचानक से कोई गैरों जैसा बिहेव करने लग गया है। एक रिश्ता नहीं बन पाया, इसका क्या मतलब वो बात करना छोड़ दे? इसमें कसूर तुम्हारा ही है सितारा। तुम शुरू से जानती थी कि वो तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं समझता बल्कि पसंद करता है। और वैसे भी देखा जाए तो हम में से गैर सिर्फ एक ही है, वो दिलशेर। वो गैर से तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो अपना सा लगता है। धनी, बिल्कुल अपना सा लगता है। अच्छा जी, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। हमें भी मिलवाओ जरा इससे, हम भी देखें कि आखिर इसने ऐसा क्या जादू किया है कि सारी लड़कियां सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके पीछे पड़ जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिनके दिल साफ होते हैं उन्हें कोई जादू करने की जरूरत नहीं होती। अब तुम यकीन नहीं करोगी, मैं पहली लड़की हूँ जो उसकी जिंदगी में आई हूँ। अच्छा चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। डैड, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने सोचा कि डिनर आज अपनी बेटी के साथ कर लिया जाए, और उसके बाद कॉफी, और कॉफी पे बहुत सारी बातें। ओ, तो इसका मतलब है कि मेरे डैड अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करके अपनी बेटी के साथ डिनर डेट पे जा रहे हैं। यस, लेकिन हम घर पे ही होंगे, बाहर कहीं नहीं जा रहे, सो डोंट गेट टू एक्साइटेड। आई लव यू सो मच। Okay, enough wittering. I'm gonna go change. Meanwhile, you decide ki khana hum patio pe khayenge. That's the only luxury you have. Sure. अरे भाई, ये क्या है? कहाँ जा रहे हो? किताबें। मैंने सोचा है पढ़ाई मुकम्मल कर लूंगा। क्या कहा? फिर से कहना जरा। ग्रेजुएशन करोगे? मतलब हमारा दिल शेर किताबें पढ़ेगा, तुम मुअज्जा नहीं हो क्या? तो खुद ही तो कहती थी पढ़ाई हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो चले जाओ, बस पढ़ाई मछली रहा होती है, पता नहीं क्या क्या। जनाब इल्म हासिल करने चले और इल्म का एन भी नहीं पता। एक दो दिन रुक जा बस, तू एन का सब याद कर लूंगा। इस साल तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ तुम अभी से वक्त निकाल कर ऑफिस आया करो, बिजनेस में इंटरेस्ट लो। जी डैड, मगर सच बताऊँ तो ये सब मुझसे होता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता मुझे। देखो बेटा,
दुनिया की किसी चीज में भी जब तक दिल से इंटरेस्ट ना लेना तो वो मुश्किल लगती है, और बाद में वही चीज आसान हो जाती है। मैंने ये सारा बिजनेस एम्पायर किसके लिए खड़ा किया? तुम इसकी इकलौती वारिस हो, एंड आई टेल यू व्हाट, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कर लोगे। आई विल ट्राई। वैसे एक और हल है मेरे पास, यू नो, अ क्विक फिक्स। क्यों ना मैं एक अच्छा सा बिजनेसमैन दामाद ढूंढ लूं। नो, हियर मी आउट, हियर मी आउट। मेरी मुश्किलें भी आसान हो जाएं, तुम भी अपने घर की हो जाओ। डैड, एक तो मेरे समझ नहीं आता ये सारी बातें घूम फिर के मेरी शादी पे आके क्यों रुक जाती हैं। घूमने फिरने से याद आया, वो आजकल तुम्हारा दोस्त रुस्तम कहाँ है? बड़े अरसे से नजर नहीं आया। तुम दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? अब समझ आई मुझे इन सारी बातों का क्या मकसद था। रुस्तम एक अच्छा लड़का है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, उसे रिजेक्ट करने के लिए कोई सॉलिड रीजनिंग होनी चाहिए ना। है कोई तुम्हारे पास? रीजन ये है कि मैं इस वक्त शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। There we go again. देखो, मैं तो चाहता हूँ ना कि तुम्हारी शादी हो जाए, माना कि तुम्हारे पास अभी वक्त है, लेकिन मैं ये फर्ज अपनी जिंदगी में अदा करना चाहता हूँ। सितारा, क्या तुम्हें कोई और पसंद है? You can trust me, तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हारी माँ से मेरे अख्तलाफात अपनी जगह पर, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने कभी तुम्हारे साथ सख्ती नहीं की। तुम मुझसे अपने दिल की बात कह सकती हो, मुझे बता सकती हो। डैड, अगर मैं कहूं कि जी कोई है तो फिर तुम्हें उसको मुझसे मिलाना होगा। What? Are you serious? Yeah. ये सब इतना आसान था? मैं कितना परेशान हो रही थी, बात मैं आपसे कैसे करूंगी? Oh my God. Thank you so much. Thank you. I love you. I love you more. मेरी जान, जाने जिगर, मेरे मुकद्दर के सितारे। अब बस भी करो, बहुत हो गया, बहुत डायलॉग बोल लिए। डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, मोहब्बत में नाम दे रहा हूँ तुम्हें। मेरा तो दिल चाहता है तुम्हें 1000 नाम दे दूँ, बल्कि 1000 भी नहीं, बस जिस नाम से तुम एक दफा प्यार से पुकारो ना, उसके बाद नहीं पुकारो उस नाम से तुम्हें। बहुत बात आती है तुम्हें। अच्छा खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। हाँ, गुड न्यूज तो मेरे पास भी है। Really? क्या? गुड न्यूज ये है कि बीए करने का इरादा कर लिया मैंने, एडमिशन ले रहा हूँ, अभी भी बैठा पढ़ाकू बच्चा बना हूँ, पास कर लूंगा इस बार। Really? ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है तुमने मेरी बात मान लिया। फिर चलो अब तुम बता दो क्या गुड न्यूज है। मेरे पास जो न्यूज है वो इससे भी बड़ी है। अब वो न्यूज ये है कि डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी? लेकिन अभी तो मेरे प्रोफाइल में मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है। सोच लो, रिजेक्शन का ठप्पा लग सकता है। बिल्कुल भी नहीं, तुम मिलो तो सही उनसे, बाकी मुझ पे छोड़ो। पंछी चुग गए सारे, दाना मोती रुड़ गए सारे, माही मैनू रंग दा, माही नू मेरा रंग चढ़दा नहीं। Oh,
ये जायनमाज भी रख दे पुत्री। बच्ची यूं अचानक जा रहे, अम्मा की तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ हाँ सब ठीक ठाक है, बुशरा बिल्कुल ठीक है। वो जा इसलिए रहा हूँ कि एक दो छोटे मोटे काम हैं, और फिर वो बशीरा है ना, उसके बेटे की टांग टूट गई है, अकमल की। हाँ अकमल वो सुल्तान का भी दोस्त है ना, एक दो दफा तो घर भी आया है वो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं अब जाऊंगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो दरवाजा बेटा ठीक से बंद कर लेना, दिलशेर दुकान बंद करके आ जाएगा और रेशमा भी अपनी यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाएगी। हैं जी अब्बा जी, बस ये आपका बैग तैयार हो गया, बैग तैयार। आ पुत्री आ जा, दरवाजा बंद कर ले मेरा पुत्र। अच्छा देखो ये कितना अच्छा है। मैं एक बात बोलूं सितारा, कोट पैंट मैंने कभी पहना नहीं है। मैं तो बोलता हूँ इसी के ऊपर कोई कोट पहन लूंगा, मैं सच्ची कह रहा हूँ अच्छा लगूंगा। तुम अजीब हो यार, मैं इतनी बड़ी बात अपने डैड से करके आया, तुम सूट नहीं पहन सकते? तुम डिसाइड कर लो शादी करनी है मुझसे कि नहीं। करनी है क्यों नहीं करनी? तो फिर जाओ, जाओ जाके ट्राई करो, सलोन भी तो जाना है। मेरी मानो तो इसे सिंपल ही रहने दो, ऐसे भी अच्छा ही लगता है। सिंपल है इसीलिए अच्छा लगता है, मगर क्या करें, मेरे डैड से मेरा हाथ मांगने जा रहे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगना चाहिए। ओए तैयार हो जा। अरे आइए आइए आइए, बैठिए प्लीज बैठिए। अरे वाह कैसी हैं आप, कभी हमारे लिए भी कुर्सी खींच लिया करो, हम भी बैठ जाएगा ना। वैसे क्या कमाल की जोड़ी है तुम दोनों की, पूरी यूनिवर्सिटी में तुम दोनों की चर्चे चल रहे हैं, पिक्चर्स भी खींची हैं कल रिपोर्टर्स ने। वैसे सोचो कि कल के अखबार में फ्रंट पेज पे न्यूज हो तुम दोनों की, टाइटल हो कपल ऑफ द ईयर, R&R, रुस्तम एंड रेशमा। एंड बॉबी, बॉबी देख जानी तू हर दफा ट्रीट से बच जाता है, लेकिन इस बार तुझे जाने नहीं दूंगा। डन है ना? हाथ दे। और मैडम आप प्लीज कोई बहाने ना कीजिएगा, वही बोले मेरा भाई आ रहा है, मुझे घर जाना है, खाना पकाना है। आई मीन डट के यार, प्यार किया तो डरना क्या। मेरा मतलब है कि दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। दिलबर भाई ऐसी खबर लाए हैं कि दिल खुश हो जाएगा, और खबर इस बार पक्की है। सुबह से रैकी पर लगा हूँ मैं, नहीं गिन आता तो जाके चेक कर लो। सुबह से दुकान बंद है, हाकिम चाचा से बात की तो उन्होंने बताया वो तो गांव गए हुए हैं, और रेशमा भी यूनिवर्सिटी से अभी नहीं लौटी, और आपके वाली घर में बिल्कुल अकेली है, तन तनहा। और इस बार 1000 लूंगा मैं। 1000 क्या, 2000 ले ली तू, लेकिन वापस आके दूंगा, और अगर काम बन गया ना तो उससे भी ज्यादा दे दूंगा तुझे। और दिल खुश कर दिया दिलबर भाई, भाई है तू अपना।
आए आपको आइसक्रीम खिला के लाता हूँ आज। उस्ताद जी आ गए, उस्ताद जी आ गए। वो नहीं मैं वो दासो बशीर ने पुत्र अकमल नु किवें रहा सी मैं I am so sorry to keep you waiting. My apologies. Please, बैठो। कुछ खाया पिया भी है या यूं ही बैठे हुए हो? दो बार चाय पी चुका हूं मैं। चलो अब हम डिनर भी इकट्ठे करेंगे, ठीक है? Some compensation. सितारा, सितारा। जी जी डैड। दिलशेर आज हमारे साथ डिनर करेगा, प्लीज डिनर लगवा दो। जी जी डैड, अभी करते हैं। हाँ जी, तो स्टडीज कैसी जा रही है? अभी कली किताबें ली अंकल। बीच सेमेस्टर में मैं तो मतलब नहीं समझा। यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ मैं, सारे लड़के बस मेरी नोट्स कॉपी करते हैं। इस बार किसी कमीने ने मेरे नोट्स चुरा ही लिए, एक दफा पता चल जाए हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं। कमीना? हड्डी पसली? हाँ ना अंकल, इन तो बांटने की चीज है ना, अब उसमें भी बंदा चोरी करेगा तो कैसे चलेगा? और मैं कहता हूँ चोर को तो सख्त से सजा मिलनी चाहिए, वरना मुल्क तरक्की कैसे करेगा ये? बिल्कुल, बस एक हड्डी पसली, यही तो तरीका है मुल्क सुधारने का। सही कह रहे हो। तुम्हारे वालिद क्या, आई मीन क्या बिजनेस करते हैं? फुटवेयर का बिजनेस है उनका। तुम काफी अनकंफर्टेबल लग रहे हो, अगर बोलो तो टेम्परेचर एयर कंडीशनिंग का एडजस्ट कर दो। नहीं ठीक है, मैं ठीक हूं। कर आर यू श्योर?
क्या हुआ, क्या देख रही हो? वो बॉबी फोन करने गया था, अभी तक आया नहीं। और तुम तो कह रहे थे कि तुम डिनर करने जा रहे हो। हाँ तो बॉबी तो आ जाए, पता नहीं कहीं बैठ के किसी लड़की को उल्लू बना रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा, मैं तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। अब हर कोई मेरी तरह शरीफ थोड़ी होता। शरीफ और तुम, मैं नहीं मानती। कम से कम 8-10 तो होंगी जिनके साथ तुम्हारा रिश्ता है। हाँ भाई, चैंपियन हो इस यूनिवर्सिटी के। आई स्वेयर मेरा कोई ऐसा चक्कर नहीं है। यकीन नहीं आता तो मेरा फोन चेक कर। तुम मुझे क्यों इतनी वजाहतें दे रहे हो? अब चलो दे ही रहे हो तो अब सच बोल दो, 8 या 10? एक भी नहीं, नहीं एक थी, अब नहीं रही। उसको कोई और पसंद आ गया और मुझे कोई और। और ये एक वो ही तो नहीं थी जिसके साथ तुम मेले में आए थे, जिसके धोखे में मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था? बट सच में रेशमा, मुझे खुशी है कि मैं मेले में उसके साथ आया और तुम मुझे मिल गई। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो तुमने मुझे अपने भाइयों की धमकी दी थी? याद है? नो, अब मैं इरादे से तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। दे लो अपने भाइयों को आवाज। मुझे साहिबा बनकर अपना मिर्जा नहीं मरवाना। दिलशेर अब तक दुकान से वापस नहीं आया और रेशमा यूनिवर्सिटी से। दिलशेर फोन नहीं उठा रहा और ये रेशमा, इसका तो फोन ही बंद जा रहा है आज भी। अब्बा जी को भी आज ही गांव जाना था क्या? कोई नई मुसीबत ही ना खड़ी हो जाए। जी समझ के रखा है जी आपने। आपको क्या लगता है मैं कोई बगैर तफ्तीश किए यहाँ पर आया हूँ? जी मुझे पता है इस वक्त घर में आप और मैं अकेले हैं सिर्फ। मैं दिलशेर को आवाज दूंगी ना, वो नीचे आ जाएगा, जाओ मेरा हाथ। लो करो शोर, चिल्लाओ, बुलाओ जिसको बुलाना है। इसमें सिर्फ बदनामी आपकी ही है, मेरी नहीं है। और मैं तो सिर्फ आपको इतना बताने आया हूँ कि दिलबर का दिल आ गया जी आप पे। मैं कोई किसी गलत इरादे से आया हूँ यहाँ पे जी। कभी कभी छत पे आके मेरे बेकरार दिल को करार कर दिया करो। क्या जाता है जी आपका, कुछ भी तो नहीं जाना। और एक बात और, दिलशेर आ गया। ये कोई वक्त है आने का? अंदर तो आने दो, बताती हूँ मैं। जरा आती हूँ अब्बा जी के कमरे से। हाँ तो इधर आ। वो तुमसे शादी नहीं करेगा, ऐसे घुमाने तक रखेगा तुम्हें। शादी अभी से? अभी दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो सिर्फ दोस्ती हुई है। शादी तो बहुत बात का मरहला होती है। मेरी मानो तो मोहब्बत मरहलों में मत तय करो, मुश्किल में पड़ जाओ। अक्सर मोहब्बत करने वाले यही गलती करते हैं, मोहब्बत में इतना आगे बढ़ जाते कि शादी पीछे रह जाती है और फिर उम्र भर यही पछतावा लगा रहता है कि शादी क्यों नहीं की। मोहब्बत के लिए तो उम्र बाकी है, तो क्या करूं? मतलब खुद से पूछ लो शादी। नहीं नहीं, उसे डायरेक्ट मत कहना, शादी का जिक्र छेड़ दो। कहो कि हमारे यहाँ मोहब्बत तो होती है लेकिन डेट शेट नहीं होती। अब्बा जी कहाँ है? गांव खैर से गए? वो सुल्तान का दोस्त है ना अकमल, उसकी खैरियत मालूम करने गए। ये हाथ पे निशान किस चीज का है? कुछ नहीं।
तुम तो खाना खा कर आई हो, मुझे तो बहुत सख्त भूख लग रही है। मैं खाना खा रही हूँ, चलो कपड़े तय करो। हमेशा बखेड़ा मचा के रख रही हूँ। पहलवान जी गांव वापस आ जाए, आपके जाने से खाड़े उजड़ गए हैं। ना कोई सीखने वाला रहा है और ना कोई सिखाने वाला। अब तो खाड़े की मिट्टी पर कुत्ते और बिल्लियां खेल रहे हैं। ताजी जब भी हम शोक करने खाड़े में आते हैं, दस्तगीर आ जाता है और जानबूझ के हमें तंग करता है। जी हाँ उस्ताद जी। ओ आकम पहलवाना, वो खेल खत्म हो रहा है, कोई तुम्हारी लोड़ है यहाँ पे, तू वापस आ जा। खेल तो खत्म हो गया है, उक गई है खेल। बिल्कुल ठीक कहते हैं उस्ताद जी, ये देखें आजकल क्या चल रहा है। ये भला कोई खेल है या निरी लड़ाई? आशु तुम तो कह रही थी कि ये खेल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। होगा भले, ये खेल अनकरीब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिलशेर अभी चांद तारों से खेल रहा है, उसे खेलने दो। लेकिन जब मुंह के बल गिरेगा तो सीधा इस रिंग की जमीन पर आकर गिरेगा। रेशमा जल्दी आ जाओ यार, कब से खड़ा हुआ वेट कर रहा हूं। आ गई हो तो बताओ ना, कब से खड़ा हुआ गला फाड़ रहा हूं अपना। मैं काफी दिनों से एक चीज नोटिस कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी मैं जाती हूँ, तैयार शहर होके तुम निकल रहे हो। खैर तो है ना, कोई लड़की शड़की तो पसंद नहीं आ गई? ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी करो, देर हो गई है पहले ही हमें। है तो बता दो, हेल्प कर दूंगी। जब हेल्प चाहिए होगी बता दूंगा, हेल्प कर देना, अभी नहीं चाहिए। चलो मर्जी है तुम्हारी। ऐसे जानी मुझे एक बात बता, ये रेशमा वाली कहानी कब तक चलाएगा? अभी तो मैं घात लगाया बैठा हूँ, searching for his weaknesses, तब तक। ये पता ना वो लड़की तेरे रेशमे पागल हो गई। मैं ऐसे करता हूँ, आज अपने नए वाले घर में पार्टी रखता हूँ, तू उसको वहां पे ले आए, जितनी भी वीकनेसेस ढूंढनी है ढूंढ ले।
तो ठीक है, नशे कर रहा है आज के, बदला मुझे दिलशेर से लेना है, रेशमा से नहीं। कुछ सोचता हूँ तो सीधा दिलशेर के दिल पर जा लगे। दुश्मनी तेरी भाई से है, हमदर्दी तू बहन से करता फिर रहा है। तेरी कुछ समझ नहीं आती मुझे, कहीं तेरा दिल तो नहीं आ गया उस मशर की हसीना पे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।